हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आया हूँ कतर के दोहा कॉर्निश में। काफ़ी अमेजिंग व्यू है यहाँ पे, अच्छा पिकनिक स्पॉट है यहाँ पे। वीकेंड्स पे काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। मेरे ठीक पीछे इस वक्त है मॉन्यूमेंट ऑफ पर्ल, बहुत ही फेमस है इस जगह पे, और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे जिससे कि आप देख रहे हैं फोटो खिंचाने के लिए, और बहुत ही अच्छा एक व्यू है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक और बने रहिए आखिरी तक, ताकि मैं आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शंस दे पाऊँ इस जगह के। तो मैंने अपने सफर की शुरुआत बस से कर दी है। अभी कुछ देर लगेगा मुझे दोहा कतर के कॉर्निश तक पहुंचने में, और आज क्योंकि आज मेरा छुट्टी है, मेरे ऑफिस की छुट्टी है, तो फिर आज मैं निकला हूँ थोड़ा वीडियो शूडियो बनाने के लिए। तो आज मैं दोहा कॉर्निश की तरफ आपको लेके चलूँगा, और पिकनिक स्पॉट है, अमेजिंग से अमेजिंग व्यू है वहाँ पे। आप मेरे लास्ट वीडियो में आप सबका प्यार मिला मुझे बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ आगे चल के भी आप सबका प्यार मुझे ऐसा ही मिलता रहे, दुआ करता हूँ मैं। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आप सबके सामने प्रेजेंट करने। आगे तो अभी जर्नी बाकी है, देखते रहिए। चलिए ऊपर है दोहा कॉर्निश की तरफ, बहुत ही अच्छा बहुत ही अमेजिंग पिकनिक स्पॉट है वो, मैं इससे पहले सुना और गया भी हूँ, और आज मैं उसकी वीडियोज आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं कॉर्निश। वैसे तो सफ़र काफ़ी लंबा था, मुझे 2 घंटे लगे दोहा कॉर्निश तक पहुंचने में। तो फिर क्या करना था, मैंने अपना कैमरा लिया और छोटे छोटे फुटेजेस लेता चला गया, ताकि मैं आपको शहर की खूबसूरती को दिखा सकूं। अच्छे अच्छे व्यूज़ थे यहाँ पे, मैंने सारे व्यूज़ को कैप्चर किया अपने कैमरे पे। बस के अंदर का भी माहौल कुछ ऐसा ही था, और देखते ही देखते रास्ता में सफ़र जो है बढ़ता चला गया। और कुछ ही देर बाद मेरी नज़र पड़ी लुसेल के स्टेडियम पे। इस स्टेडियम के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में मैं किसी और दिन किसी और वीडियो पे ज़रूर बताऊंगा। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं आज, क्योंकि लोगों की छुट्टी है यहाँ पे, तो आए हैं इंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही साथ नाच गाना हो रहा है इन लोगों का, और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और शिकार है जिस तरीके से ढोल रहा है यहाँ पे, हर कोई म्यूज़िक में ऐसे ही ढोल रहा है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और भी मैं अच्छे अच्छे व्यूज़ आपके साथ। कुछ साथी भी हो चुके हैं यहाँ पे, जो कि शायद दूसरे देशों से हैं ये, और काफ़ी ही फोटो प्रेमी लग रहे हैं ये सब। देखिए सेल्फी लेते हुए भाई।
कुछ ऐसा लगा, ऐसा व्यू मैंने आज तक नहीं देखा। और एक अलग सा सुकून मिल रहा है यहाँ पे, एक अलग सा सुकून, एक अलग सी मस्ती, एक अलग सी बेचैनी। और ये था शिकारा का सफ़र। वीडियो में मैं और आगे लेके चलूँगा आपको, और भी अमेजिंग अमेजिंग व्यू दिखाऊँगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है इसे। वीडियो में आगे बढ़ते हुए चार कदम और चला तो मुझे ये मॉन्यूमेंट मिला। ये इस वक्त नया बनाया गया है। इस मॉन्यूमेंट का खासियत यह है कि अभी ये काउंटडाउन दिखा रहा है कि वर्ल्ड कप में कितने दिन बाकी है, वो उसका काउंटडाउन दिखा रहा है। बहुत ही लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है वर्ल्ड कप को लेकर के। फीफा वर्ल्ड कप जो आने वाला है और हर जगह उसकी छाप आपको देखने को। होता है। सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ऑन माय चैनल। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ अपग्रेड और एनी काइंड ऑफ न्यू टॉपिक इफ यू वांट, सो जस्ट कमेंट ऑन माय चैनल। और दोस्तों इजाज़त चाहूँगा, मिलता हूँ अगले वक्त, अगले जगह, अगले समय, किसी अगले वीडियो के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। आई एम योर अकी सोनिक।